और गाइज तभी आता है इस चैप्टर का बेस्ट मोमेंट। तो गाइज युता की जो डोमेन है उसे तोड़ के भाई कोई अंदर आ चुका है। सो फाइनली गाइज जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 के यार रो लीक्स स्पॉइलर आ चुके हैं। और गाइज मुझे पर्सनली लगता है ये वाला चैप्टर यार इस फाइट का यार सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट चैप्टर था। और गाइज इस वाले चैप्टर में यार एक न्यू गेस्ट की एंट्री हो चुकी है, तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो और गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वाले चैप्टर की शुरुआत भी यार वहीं से होती है जहां पे यार लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। युता यूज करता है यार सुकुना की टेक्निक क्लीव का, और गाइज इस वाले चैप्टर में ये यार कंफर्म हुआ कि उसने ये वाली टेक्निक कैसे कॉपी की। सो गाइज युता यार सुकुना की क्लीव को यार कॉपी करने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि गाइज उसके पास है फाइनल फिंगर सुकुना की। जैसा कि यार तुम्हें पता है गोजो ने यार फाइनल वाली फिंगर कहीं पे छुपा दी थी, तो गाइज अब ये रिवील हो चुका है कि ये फिंगर अभी मैगुमी ने यार क्या बोलते हैं युता के पास है, और गाइज इसी रीजन की वजह से उसने क्लीव को कॉपी किया। और गाइज इसके बाद यार हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है यूजी मारता है एक अपरकट सुकुना को, पर गाइज सुकुना से यार थोड़ा बहुत डैमेज लेने के बाद वो यार यूजी को अपने बाहों में पकड़ लेता है पूरी तरह से। पर तभी यार यूजी सुकुना के चेहरे पे यार ब्लड स्प्लिट कर देता है। बोलो जुबा केसरी। और गाइज इसी चांस को देखते हुए यार युता मारता है एक जोरदार अपरकट सुकुना को। इस वाले चैप्टर में यार सुकुना ने जितनी मार खाई है मुझे नहीं लगता यार इससे पहले किसी चैप्टर में खाई है गोजो के अलावा। और यूजी और युता यार सुकुना को संभलने का टाइम ही नहीं दे रही है। और गाइज उसी समय यार यूजी बोलता है कि यार उसके पास ये लास्ट चांस है कि वो यार मैगुमी के सोल को दोबारा से जगा पाए। और तभी गाइज हमें नेक्स्ट पेज भी दिखाई जाती है रीका जो कि यार सुकुना को पकड़ के जमीन पे दे पटकती है। और गाइज उसी समय पे यार वहां पे यूजी भी आ जाता है और गाइज एक लात मारता है सुकुना को। पर गाइज इस टाइम पे यार सुकुना को एक बात रियलाइज हो चुकी है, जो यार उसका कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो यार कम हो चुका है। और गाइज उसका जो कंट्रोल है मैगुमी की बॉडी से वो भी गाइज डल हो चुका है। पर तभी गाइज सुकुना यार काउंटर अटैक करने के लिए अपनी यार जो होलो विस्कर बास्केट टेक्निक थी उसे यार डिसेबल कर देता है ताकि यार वो यूज कर पाए अपने वर्ल्ड एंडिंग स्लैश का। सॉरी गाइज यार वर्ल्ड एंडिंग स्लैश का नहीं, वर्ल्ड कटिंग स्लैश का। और गाइज ये यार सुकुना की तरफ से एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है क्योंकि यार अभी उसके पास ये लास्ट चांस बचा है कि यार वो अपनी होलो विस्कर बास्केट को यार डिसेबल करके काउंटर अटैक करे। पर गाइज युता और यूजी को यार पहले से ही पता है यार सुकुना का क्या प्लान होने वाला है। उन्होंने यार पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि यार सुकुना अपनी यार टेक्निक को डिसेबल करके काउंटर अटैक करेगा। और गाइज वो सुकुना के ऊपर अटैक कर देते हैं और गाइज वो साथ में कोशिश करते हैं कि यार वो सुकुना के हाथ को बांध पाए क्योंकि गाइज वो यार बिना अपने हैंड साइन के यार इस अटैक का यूज नहीं कर सकता। तो गाइज वो पूरी कोशिश करते हैं वो यार सुकुना अपने हैंड्स को ना जोड़ पाए। पर गाइज सुकुना यार अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यार यूज करता है, पर गाइज युता और यूजी को यार रियलाइज हो जाता है कि यार उसका जो अटैक है वो यार अब इतना पावरफुल नहीं है। और गाइज युता भी यार इस चांस को देखते हुए बिना डरे यार सुकुना के पास चला जाता है। और गाइज तभी यार हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है यार युता ने सुकुना की आर्म काट दी है और गाइज यूजी ने जो सुकुना के मुंह पे यार ब्लड स्प्लिट किया था वो भी भाई एक्सप्लोड हो जाता है। और गाइज तभी यार हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यार यूजी बोलता है सोल्स यार पूरी तरह से कंबाइंड भी हो जाएं पर गाइज उनका एक छोटा सा हिस्सा रहेगा जो गाइज वो कभी भी कंबाइंड नहीं होगा और वो सोल्स यार कभी भी एक नहीं बन सकती। और गाइज इसी के साथ यार यूजी दोबारा से बोलता है कि यार वो मैगुमी की सोल को जगा के रहेगा। और गाइज इसी के बाद यार हाना बोलती है एंजल की जो कर्स टेक्निक है वो यार एक काफी अच्छा मैच है यूजी के प्लान के लिए। और यूजी का प्लान है यार मैगुमी की सोल को यार सुकुना की सोल से अलग करना और गाइज उसे एक हिट करना जैकोब्स लेडर से, क्या नाम है यार इसका, ऐसा ही नाम था कुछ। और गाइज तभी यार हमें नेक्स्ट पेज पे यार रीका और यूजी दिखाए जाते हैं जिन्होंने यार सुकुना की दोनों बाजुओं को पकड़ लिया है। और तभी युता यार एंजल की कर्स टेक्निक को यार एक्टिवेट कर देता है मैक्सिमम, और इस टेक्निक का नाम है यार मैक्सिमम आउटपुट जैकोब्स लेडर। और गाइज इस अटैक के लगते यार सुकुना की जो बॉडी है वो गाइज धीरे धीरे जल के गाइज राख में बदलने लग पड़ती है। और तभी यूजी यार थोड़ा पीछे होकर सुकुना को यार अपना सोल पंच मारता है और बोलता है वेक अप फुशिगुरो। यूजी की जो यार कैलकुलेशन थी वो तो यार बिल्कुल सही थी, पर मैगुमी की सोल की यार जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और गाइज उसने बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी है। और तभी गाइज यार यूजी को मैगुमी दिखता है जो कि यार अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और वो बोलता है यार आई डोंट केयर एनीमोर। जैसे यार सुकुना को थोड़ा बहुत चांस मिलता है वो गाइज यूज कर लेता है अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का जो कि यार सीधा लगता है रीका युता और गाइज यूजी को। सुकुना की यार जो कर्स एनर्जी है वो यार इस वक्त काफी ज्यादा कम है, तो गाइज इसका जो अभी वर्ल्ड कटिंग स्लैश है वो गाइज इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो गाइज ये रीका यूजी और यार युता बच ही जाएंगे। और गाइज मेनली लग रहा है ये वाला अटैक यार युता के ऊपर ही लगा है। और गाइज तभी आता है इस चैप्टर का बेस्ट मोमेंट, तो गाइज युता की जो डोमेन है उसे तोड़ के भाई कोई अंदर आ चुका है, तो गाइज ये और कोई नहीं है ये है भाई माकी। सो गाइज फाइनली यार बैटल में एंट्री हो चुकी है माकी की और गाइज वो सुकुना को सरप्राइज कर देती है अपनी यार सोल।
सोल स्प्लिटर कटाना से। सो गाइज हर बार की तरह यार गेगे ने एक और यार अमेजिंग चैप्टर हमें दे दिया है। सो गाइज अब यार नेक्स्ट चैप्टर में देखना होगा यार माकी क्या कमाल करती है। और गाइज मुझे लगता है अब यार तीन चार बंदे इकट्ठे हो चुके हैं तो यार किसी के मरने का भी तो टाइम आ चुका है। सुकना भाई ऐसे तो नहीं मरने वाला है, मुझे लग रहा है वो कुछ तो करेगा। और गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मैंने पहले ही कर दिया था पर यार लाइक कर देना। और गाइज तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ। और गाइज मैं यार चैनल पे रिएक्शन रिएक्शन डालता रहता हूँ तो यार उन्हें भी चेकआउट कर लेना। और गाइज शॉर्ट्स तो डालता रहता हूँ। सो बाय। एक्सक्यूज मी, आई वांट बी योर फ्रेंड।